हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रेगनाइज वर्ल्ड। मैं हूं सुप्रियो, आपका दोस्त। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं दो टाइप का एरोमेटिक केमिकल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और ये दोनों ही जो एरोमेटिक केमिकल है वो ज़्यादातर अगरबत्ती कंपाउंड में यूज़ होता है। वैसे तो दूसरा कंपाउंड में भी यूज़ होता है, जैसे डिटर्जेंट कंपाउंड या फिर दूसरा दूसरा अलग अलग सेक्शन का कंपाउंड में भी यूज़ होता है, अतर में भी यूज़ होता है। तो ज़्यादातर ये अगरबत्ती कंपाउंड या और अगरबत्ती इंडस्ट्री में ये यूज होने वाला आइटम है। तो हमारे सामने है मस जैलॉल। ये जो मस जैलॉल है, ये चेन्नई का एक कंपनी है, मैसमेजर एरोमेटिक्स, उसका ये मस जैलॉल है। और ये है इंडोल। तो इंडोल जो है ये कोलकाता का एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ कंपनी का आइटम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं ये दोनों जो के एरोमेटिक केमिकल है किस तरह से अगरबत्ती कंपाउंड में काम आता है, इसका यूजेस क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है, अगरबत्ती में इसका क्या माने भूमिका है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले जायलॉल के बारे में, मस जायलॉल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए, 5 kg पैकिंग में मस जायलॉल आता है, इस तरह का पैकेजिंग में। ये चेन्नई का मसमेर एरोमेटिक्स कंपनी का है। तो पहले जायलॉल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये कैसा दिखने में होता है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, ये क्रिस्टल फॉर्म में, पाउडर क्रिस्टल फॉर्म में है। देखिए, ये 5 kg पैकिंग में आता है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जायलॉल होता है ये। ये नाइट्रोमस प्रोडक्ट है। इसका खुशबू जो है, इसका जो नोट है, ये मस्की नोट है। तो इसका इस्तेमाल अगरबत्ती कंपाउंड में, अब 1 kg कंपाउंड बनाने में 50 ग्राम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो अगरबत्ती कंपाउंड है वो फिक्सेट हो जाएगा, काफ़ी माने काठी में वो फिक्स्ड होकर रहेगा काफ़ी समय तक। और इसका आप प्रीमिक्स पाउडर के साथ भी इसका पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगरबत्ती का जो कोई भी कंपाउंड में अगर डिपिंग करेंगे इस माने उस काठी को, तो क्या होगा, उसका फ्लो भी ज़्यादा होगा, बूस्टिंग भी करवाएगा और काठी का माने जो कंपाउंड है उसको स्ट्रॉन्ग करके काठी में पकड़ के रखेगा। ये अगर ये जैलो का यही बेनिफिट है। तो ये छोड़ के इसका जो मास्की नोट है, ये फ्लेवर के साथ मिल के कोई भी कंपाउंड को और भी ज़्यादा स्वीट बनाता है और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये जैलॉल जो है। तो अगरबत्ती कंपाउंड माने कोई भी कंपाउंड में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी इसमें कोई वो नहीं कि जैसे कि फ्लावरी नोट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरल नोट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्टोन, भारतवासी, भारत दर्शन, ब्लैक डायमंड, रिदम और भी फिरदोस, कोई भी जैसे कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं मस जायलॉल को, और उसको आप बढ़िया से फिक्सेट कर सकते हैं, कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंडोल। तो ये जो इंडोल है, ये कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ इंडोल है। तो आपको हम इस यहाँ पे डाल के दिखाते हैं इस इंडोल को। ये 5 kg पैकिंग में ऐसे आता है इंडोल। तो देखिए, इस टाइप का फ्लेक्स टाइप का ये इंडोल है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इंडोल है कोलकाता का। तो कोलकाता में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ। इसका जो जो अगरबत्ती में इस्तेमाल है, इसको आप पाउडर करके अगर कंपाउंड में इस्तेमाल करें, अगरबत्ती कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक स्टोन, जैसे कि जेट ब्लैक, ब्लैक डायमंड, ब्रेकर टाइप का, या फिर कोई भी फ्लोरल टाइप का अगरबत्ती, फ्लावरी टाइप का अगरबत्ती में इसको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारतवासी, भारत दर्शन, कोई किसी में भी आप इसको ऑल पर्पस माने कोई भी कंपाउंड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि कंपाउंड का बूस्टिंग हो जाता है, जैसे कंपाउंड का फ्लो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। आप देखिएगा कंपाउंड चारों तरफ फैलने लगा है, और अगरबत्ती अगर उसमें अगर अगरबत्ती डिपिंग करके जलाया जाए, उसका स्प्रेडिंग करता है, उसका जो धुआं और उसका जो फ्रेग्रेंस है चारों तरफ स्प्रेडिंग करता है। और एक इंडोल भी होता है पाउडर फॉर्म में, उसको आप ना इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसमें सॉल्वेंट मिला हुआ होता है। ये 100% इंडोल है, इसीलिए ऐसे फ्लेक्स टाइप का इंडोल है 100%। और सॉल्वेंट मिला हुआ अगर इंडोल हो
तो उसमें क्या होता है कि ऐसे अगर आप डाल के रखेंगे उसमें वो हवा में उड़ जाता है। 1 kg इंडोल 950 इंडोल में कम हो जाता है, जैसे बाकी सॉल्वेंट उड़ा देता है उन लेव को। तो इस तरह का इंडोल आप यूज़ कीजिए अच्छा क्वालिटी का, और अपना कंपाउंड को बूस्टिंग के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको पाउडर बना के आप प्रीमिक्स जो अगर जो पाउडर होता है उसमें भी यूज़ करके अगरबत्ती का स्टिक बना सकते हैं। तो दोस्तों और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों का प्राइस, इंडोल और जायलॉल और इंडोल का प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी दिया हुआ रहेगा। तो और इसका इस्तेमाल तो हम आपको बता ही दिए, और भी आपको कुछ जानकारी करना है जानना है तो हमें आप कॉल कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, और आगे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो बस यहीं तक, नमस्ते।